यस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग केमिकल फार्मूला और उसके इम्पोर्टेंट से रिलेटेड टॉप थर्टी फाइव प्रीवियस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी एच एस एल के एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो बहुत ही सिंपल है आप सब लोग जानते होंगे कि एन ए एच सी ओ थ्री जो है ये होता है केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा का नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला होता है एन ए एन ओ थ्री नेक्स्ट है व्हाट इज इज़ ऑफ़ द द फॉलोइंग करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम एलोमोनेट सोडियम एलोमोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो एन ए एल ओ टू जो है यानी कि ऑप्शन नंबर वन ये है यहां पर करेक्ट आंसर ओके एन ए एल ओ टू जो है ये होता है किसका केमिकल फार्मूला सोडियम एलोमोनेट का नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकल नेम पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या होता है तो राइट right आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ओके ऑप्शन नंबर फोर कैल्सियम सॉरी कैल्शियम ऑप्शन नंबर टू कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये होता है किसका केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज बेकिंग सोडा का यहाँ पर केमिकल नेम पूछा जा रहा है क्या होता है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला एन ए एच सी ओ थ्री होता है ओके okay? नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन किचन इनग्रेडियंट नेम्ड बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का यहाँ पर केमिकल नेम पूछा जा रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ओके okay? नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन वेनेगर इज कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वेनेगर में तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड होता है ओके okay? नेक्स्ट है NH4Cl फोर सी एल इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। NH4Cl फोर सी एल किस तत्व का रासायनिक सूत्र है तो आप कहेंगे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड एन ओके तो एन का रासायनिक नाम क्या है तो वो होता है सोडियम क्लोराइड यहां देखिए लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है एल ठीक है कैल्सियम फ्लोराइड का होता है सी और कैल्सियम आयोडाइड का होता है सी ए एल टू यहां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो सी थ्री एच फोर यह है प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला सी थ्री एच फोर नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड बैटरी एसिड का केमिकल नेम क्या होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये केमिकल है बैटरी एसिड का बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बी ए एस ओ फोर ठीक है हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है एच सी एल ओ और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच थ्री थ्री नेक्स्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो एच एन ओ थ्री होता है ओके okay? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड ओके फार्मूला पूछा जा रहा है पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड का के ओ थ्री होता है नाइट्रोमिथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रोमिथेन के केमिकल फार्मूला की बात करें तो वो होता है सी एच थ्री एन टू सी एच थ्री एन टू होता है केमिकल CSCL3? तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म का ओके नेक्स्ट है फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फिनोल तो आप कहेंगे सी सिक्स एच सिक्स ओ C6H6O ये होता है केमिकल फार्मूला फेनॉल का नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो सी ए होता है केमिकल फॉर्मूला लाइम का वॉट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस ड्राई आइस का केमिकल फार्मूला क्या होता है सी ओ टू होता है कैल्शियम फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एम जी ओ होता है ओके okay? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्या होगा इसका राइट आंसर व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम तो सी एसओ फोर टू एच टू ओ ये होता है इसका केमिकल फार्मूला सी ए एस फोर टू एच टू ओ केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज वही सी ए एसओ फोर टू एच टू ओ नेक्स्ट है केमिकल ऑफ़ ब्लू विट्रॉयल का केमिकल नेम होता है ब्लू का केमिकल होता है कॉपर सल्फेट और इसका फार्मूला होता है सी यू फोर मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मार्बल का केमिकल फॉर्मूला सी ए सी ओ थ्री होता है ओके नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो राइट right आंसर हो जाएगा एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच इज द राइट आंसर नेक्स्ट है सी टू एच सिक्स ओ इज द केमिकल फार्मूला ऑफ डैश किसका होता है केमिकल फार्मूला सी टू एच सिक्स ओ तो आप कहेंगे इथेनॉल का होता है ओके इथेनॉल का ही केमिकल फार्मूला होता है सी टू एच सिक्स ओ नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पीटर पीटर ओके का रासायनिक नेम क्या है तो आप कहेंगे नाइट्रेट और इसका पोटास होता है के एन एन ओ नेक्स्ट है एच फोर सी एल इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एन एच फोर सी एल जो है किस तत्व का रासायनिक सूत्र है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है ओके अमोनियम क्लोराइड इज द राइट आंसर पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है के एन ओ थ्री नेक्स्ट है वेनेगर का केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वेनेगर तो आप कहेंगे सी एच थ्री सी डबल ओ एच नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इथनॉइक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है सी एच थ्री सी डबल ओ एच ओके नेक्स्ट है एच टू एसओ फोर इज द केमिकल फार्मूला फॉर किसका होता है केमिकल फार्मूला एच टू एसओ फोर का तो ऑयल ऑफ विट्रोयल का होता है नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है सी ए थ्री अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं जैसे कि कॉमन नेम जो है वो है लाइमस्टोन और उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फार्मूला होता है सी ए थ्री उसी तरीके से कॉमन नेम जो है ये मार्स गैस है केमिकल नेम उसका मीथेन है और केमिकल फार्मूला होता है सी एच फोर कॉमन नेम क्विक सिल्वर है इसका केमिकल नेम मरकरी है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एच नेक्स्ट है कॉमन नेम कॉस्टिक उसका केमिकल नेम होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला होता है के नेक्स्ट है कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म और इसका केमिकल नेम होता है ट्राईक्लोरोमिथेन और इसका केमिकल फार्मूला होता है सी नेक्स्ट है स्लेट लाइम इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फार्मूला होता है सी ए ओ एच टू नेक्स्ट है क्विक लाइम या बर्न लाइम इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फार्मूला होता है सी ए ओ नेक्स्ट है जिप्सम इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका फार्मूला होता है सी ए एस ओ फोर टू एच टू ओ नेक्स्ट है हेमेटाइट इसका केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है एफ ई टू ओ थ्री नेक्स्ट है लाफिंग गैस इसका केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसका रिविजन कर लिया है तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट